हम पे लुटाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा। ये हैं कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, आजाद हिंद फौज की एक सशक्त कड़ी। ये कहानी उन दिनों की है जब आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। जो भारत की स्वाधीनता के लिए विदेशी ताकतों से शक्ति जुटा रहे थे और दक्षिण पूर्व एशिया में बसे भारतीयों को एकजुट कर रहे थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज में महिलाओं को भर्ती करना महत्वपूर्ण समझा और आजादी की जंग में महिलाओं को शामिल करने के लिए रानी झांसी रेजिमेंट बनाने का निश्चय किया। इस रेजिमेंट का कैप्टन बनाया एक युवा तमिल महिला को, जो डॉक्टर थीं और जिनका नाम था लक्ष्मी स्वामीनाथन, जो अब डॉक्टर लक्ष्मी सहगल हैं। इतिहास साक्षी है, इस रेजिमेंट ने आजाद हिंद फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध के मोर्चों पर विजय हासिल की थी और इसमें कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने दोहरी भूमिका निभाई थी। खुदा तेरी सुनता रहे, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, जो सामने तेरे पड़े तू हाथ में मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जो जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। आज भी जीवंत है इनमें फौजी जीवन की कर्मठता, निर्णय लेने की तत्परता और कड़ा अनुशासन। इसके साथ ही इन्होंने निभाया समाज सेवा का दायित्व, जिसके लिए ये डॉक्टर बनी और आज भी इस कर्तव्य को बखूबी निभा रही हैं। दिल्ली चलो पुकार के, कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाए। इनके इस आज और कल के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में झांकने की जब हमने कोशिश की तो सच्चाइयां कुछ इस तरह से सामने आई। प्रमुख समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी एवी अम्मुकुट्टी की पुत्री लक्ष्मी स्वामीनाथन का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास में हुआ था, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इनका बचपन कैसा रहा होगा? ये तो हमारा बचपन से तो हमारा घर का माहौल ऐसे थे कि हम लोगों को सबको खूब आज़ादी मिला अपने अपने विचारधारा के ऊपर सोचना, बात करना किसी और से। और जैसे उस ज़माने में बच्चों को दबा के रखते थे, वो माँ बाप जैसे कहना उसी पर करना, हम लोग का हमारे घर में ऐसे ही नहीं था। हम लोगों को सबको खूब आज़ादी थी और काफ़ी छोटी उम्र से हम साइकिल चलाने, फिर घोड़े पे सवारी करना, फिर खेलना और ये सब कुछ किया। युवावस्था में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद करेंगे। विदेशी वस्तुओं की होली जलाने में सक्रिय योगदान दिया था। 1920 में जब गांधी जी हिंदुस्तान वापस आके अपने आज़ादी का आंदोलन शुरू किया, उस वक़्त से हमारा माता जी खास करके उसने काफ़ी दिलचस्पी लिया और हमारे घर में ये कांग्रेस के नेता लोग का आना जाना ये सब हुआ। इसलिए हमारा दिल में भी ये आज़ादी के बारे में सोचने के लिए और फिर उसके लिए कुछ करने के लिए तो हमें उसी वक्त से प्रेरणा मिला। उस समय विदेशी उपाधियों और नौकरियों का भी बहिष्कार किया जा रहा था।
महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटाई और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि। सन 1921 में इंग्लैंड की सिविल सर्विस से इस्तीफा देकर इस राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े सुभाष चंद्र बोस। उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थीं डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। जब कलकत्ते में कांग्रेस का तो बैठक था, हम भी अपने माताजी के साथ गए और वहाँ सबसे पहले हमने सुभाष चंद्र बोस को देखा था। वो तो कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष था और उन्होंने अपने वॉलंटियरों को तो रोज़ कलकत्ते के मैदान में परेड करते थे, खुद घोड़े के ऊपर बैठ के और ऐसे एक किस्म का वर्दी पहन के। और बड़े लोगों के बीच में बहुत ही चर्चा होता था कि सुभाष पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। सुभाष का विश्वास था कि आजादी मांगने से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ेगा। मगर हम लोग नौजवानों के बीच में था कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे लीडर है जो हम लोगों का आजादी दिलवा सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने 1938 में डॉक्टर बनने का लक्ष्य पूरा किया। चेन्नई के मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री लेकर स्त्री रोग और बाल रोग में विशेषज्ञता हासिल की। सितंबर सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ। उस वक्त एक नोटिस आया कि सरकार जितनी महिला डॉक्टर है उनको भी फौज में भर्ती करने के लिए सोच रहे, क्योंकि पुरुष सब चले जाएंगे फौज के साथ हिंदुस्तान के बाहर, और हिंदुस्तान के अंदर जितनी मिलिट्री हॉस्पिटल हैं उसमें तो डॉक्टरों का कमी पड़ेगी, इसलिए लड़कियों को भी भर्ती करेंगे। ये बात जब मालूम हुआ तो हमने सोचा तो हम कभी नहीं ब्रिटिश सरकार में काम करने के लिए तैयार है। तो हमारा चंद रिश्तेदार थे वहाँ सिंगापुर में, फिर हम चले गए सिंगापुर। सिंगापुर में डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने एक दवाखाना खोला और वहां भारतीय स्वतंत्रता के लिए सक्रिय संगठन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में शामिल हो गए। इधर गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 3 मई 1939 को अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और कलकत्ता से अंग्रेजों के स्मारकों को हटाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया और ये भारत की आजादी के लिए यहां से पलायन कर जर्मनी पहुंचे, जिससे विदेशी सहायता जुटाई जा सके। 8 दिसंबर 1941 में जापानियों ने पहले बम फेंका सिंगापुर के ऊपर और 15 फरवरी 1942 में वो युद्ध खत्म हो गया। अब पूरा सिंगापुर में कब्जा कर लिया जापानियों ने। सिंगापुर पर जापानियों के कब्जे के बाद भारतीय सिपाहियों ने जापानी मेजर फुजीवारा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मेजर फुजीवारा ने इन सैनिकों को जनरल ऑफिसर कमांडिंग कप्तान मोहन सिंह को सौंप दिया, किंतु इन्हें जापानियों का रवैया ठीक नहीं लगा, इसलिए वे अपने पद से इस्तीफा देना चाहते थे। इस समय जापानियों के साथ भारत की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे एक पुराने हिंदुस्तानी क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस भी आए। आजाद हिंद फौज के वरिष्ठ अधिकारियों ने रास बिहारी बोस पर यह दबाव डाला कि सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी से बुलवाया जाए। सुभाष
सुभाष जान हिंद है, सुभाष मान हिंद है, सुभाष आन हिंद है, सुभाष शान हिंद है। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के सबसे बड़े कैथॉय हॉल में सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सर्वोच्च कमान सौंपी। हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, कोई नहीं कह सकता है। जिन लोग जंग में शरीक होंगे उनसे कैसे लोग निकलेंगे जिंदा होगा, कोई बात नहीं है। हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात सही बात यह है, आम बात यह है, आज ही में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। पांच जुलाई 1943 सिटी हॉल के सामने सुभाष ने आजाद हिंद फौज के लगभग 16,000 सैनिकों से सलामी ली और यहीं चलो दिल्ली का नारा दिया। 9 जुलाई को एक जनसभा में सुभाष चंद्र बोस ने देश पर सर्वस्व बलिदान करने वाली रानी झांसी रेजिमेंट की योजना रखी और उस दिन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को बुलवाया। तो नेताजी ने हमको बुलाया और नेताजी ने कहा जो हम अभी आपको बताएंगे शायद आपको बहुत आश्चर्य होंगे, मगर हम एक महिलाओं का भी रेजिमेंट खड़े करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आखिरी आज़ादी महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए है। दूसरे दिन से उनको दफ्तर पे बुलाया, उनको दफ्तर के बगल में हमारे लिए एक दफ्तर बनाया, उसी वक्त दर्जी को बुलाया और कहते इनका नाप ले लो क्योंकि कल से ये साड़ी वाड़ी आप नहीं पहन सकता है, आपको वर्दी पहनने पड़ेगा। फिर उस ज़माने में हमारा बाल बहुत लंबा था, तो कहते बाल, हमने कहा बाल काटने के लिए हम बिल्कुल तैयार है, हम ये भी काटे, तो ऐसे करके तो हमें बैठा दिया और फिर हम शुरू किया उधर लोगों को भर्ती होने के लिए। 11 जुलाई 1943 को इस रेजिमेंट की घोषणा की गई। रानी झांसी ने 20 वर्ष की उम्र से ही युद्ध में भाग लेना प्रारंभ किया। उनके विरोध में लड़ने वाले कमांडर ने कहा था कि वो विद्रोहियों में सबसे वीर थी। भारत फिर से अनेक झांसी की रानियां उत्पन्न कर सकता है। आप में से कितनी ही बहनें ऐसा सामर्थ्य रखती हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि एक बार फिर से तैयार हो जाओ। आप सब देखेंगी कि हम सभी स्वाधीन भारत में सांस ले रहे होंगे। इस रेजिमेंट में हजारों स्वयं सेविकाएं भर्ती हुई और कमान अफसर बनी डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। इसमें भर्ती की गई लड़कियों को मेजर महबूब अहमद तथा रतूरी के कमानाधीन जंगल युद्ध सिखाया जाने लगा। ऐसा कहा जाता है आधुनिक हथियारों और युद्धों के तौर तरीकों की शिक्षा के लिए रानी झांसी रेजिमेंट के प्रशिक्षकों का चुनाव नेताजी स्वयं करते थे और कुछ समय बाद कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने जब अपनी अन्य महिला सदस्यों के साथ 303 बोर की राइफलों के साथ कवायद करके सुभाष चंद्र बोस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था तो आश्चर्यचकित रह गए थे सुभाष और जापानी भी। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने प्रवासी भारतीय महिला रंगरूटों की भर्ती के लिए जगह जगह यात्राएं की और इस रेजिमेंट के उद्देश्य को व्यक्त किया। इसका सफल परिणाम यह हुआ कि सिंगापुर, हांगकांग, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया सभी क्षेत्रों से महिलाएं आकर इस प्रशिक्षण शिविर में भर्ती होने लगी। 21 अक्टूबर 1943 के दिन सुभाष चंद्र बोस ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया। आजाद भारत की अंतरिम सरकार आरजी हुकूमत हिंद की स्थापना का ऐलान किया, जिसमें कैप्टन लक्ष्मी सहगल को इस सरकार की समाज कल्याण मंत्री बनाया गया। इस सरकार को 9 देशों ने मान्यता भी दी थी।
23 अक्टूबर 1943 को रानी झांसी रेजिमेंट का पहला कैंप सिंगापुर में वाटरलू मार्ग पर भूतपूर्व एनसेक्स क्लब में स्थापित किया गया, जहां शुरुआत हुई सैन्य जीवन के कठिन प्रशिक्षण की। पहले तो हम लोग बहुत कठिन ट्रेनिंग लिए, वो ट्रेनिंग इतनी कठिन थी, देयर वाज कोई अंतर नहीं था। जवानों को जो ट्रेनिंग देता था वही इंस्ट्रक्टर्स हमें ट्रेनिंग दिए, पहाड़ी में ले गए, जंगल में ले गए, मार्चिंग करवाया और सजा दिए, मतलब जब कोई कुछ कमी आई उसमें सजा भी मिले, बहुत हमारे खाल निकल जाते थे, खून बहते थे, लेकिन उन्होंने कोई दया नहीं दिखाया। जब हमें एक्सेप्ट किया गया, देन आई वॉज फाउंड टू बी फिट, एंड देन व्हेन आई जॉइन द कैंप, देन टेकिंग द ट्रेनिंग ऑल थ्रू वॉज एन इंस्पिरेशन कि व्हेन वी आर गोइंग टू गो टू द फ्रंट टू फाइट, वी यूज टू बी टेकन ऑन फॉर लॉन्ग रूट मार्चेस, 40 miles, कैरिंग ऑल आवर पैक्स एंड एवरीथिंग, आवर रेशन, एंड वी यूज टू बी टेकन आउट फॉर टैक्टिकल एक्सरसाइजेज विदाउट ट्रूप्स, लाइक यू नो क्लाइंबिंग, क्रॉलिंग ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन्स। एक चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट बिल्कुल आज़ाद हिंद फौज का एक हिस्सा था। बाकी दुनिया में दूसरी विश्व युद्ध में कई देशों में महिलाओं को भर्ती किया, मगर उन लोगों को सबको ऑक्सिलरी फोर्सेस बनाते, पर हम लोग बिल्कुल रेगुलर पक्का INA का सिपाही और ऑफिसर थे, इसलिए उन लोगों को जो अनुशासन था वही हम लोगों के ऊपर भी लागू थे, जो उन लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम था वही हम लोगों के ऊपर। हालांकि उनका हेडक्वार्टर से ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के आते थे तो उसी के मुताबिक हम लोग करने पड़ता है। 24 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सिटी हॉल के सामने लगभग 50,000 भारतीय इकट्ठे हुए थे, जब आजाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका पर जंग की घोषणा कर दी। शाहनवाज खान के नेतृत्व में 3 फरवरी 1944 को पहला गोरिल्ला रेजिमेंट भारतीय सीमा की ओर बढ़ा और मेम्यो नामक शहर में एडवांस क्वार्टर स्थापित किया। यहां युद्ध की सारी रणनीतियां बनाई जाती थी। हाँ, तो हम आगे जाकर के मेम्यो गए, जब तो वहाँ भी जो काम हम रंगून में महिलाओं के बीच में करते थे वही करना था, सेक्रेटरी ऑफ वुमेन्स डिपार्टमेंट, महिला विभाग के सचिव के हैसियत से। तो वहाँ हमारे पहुँचने के कुछ ही दिन बाद मैंने पहली टुकड़ी मैं लेकर गई और उसके 3-4 दिन बाद कैप्टन लक्ष्मी एक और टुकड़ी लेकर आई। जब मैं एडवांस किया मैंने तब वो सिंगापुर में थी, तो वो एक टुकड़ी लेकर के आई। इस रेजिमेंट ने आज़ाद हिंद फौज की सशस्त्र क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। जरूरत के अनुसार अपने भाइयों के साथ मिलकर पिस्तौलें, बंदूकें और हथगोले भी चलाए थे और घायलों बीमारों की दिन रात सेवा भी की थी। जब एक हिंदुस्तानी सिपाही लड़ रहा है, हमारी बहन भी हमारे साथ खंडक में पड़ी हुई लड़ रही है, तो मुझे जोश आएगा अपनी बहन को बचाऊं और मैं दुश्मन के साथ लड़ूं, जोश पैदा करता है। दूसरे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों को ये मालूम होगा कि जब तुम्हारी बेटियां इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हो तो तुम्हें लालच है कि तुम चुप बैठे हुए हो। कर्नल लक्ष्मी का रोल बहुत सुंदर रहा, ये भी एक अच्छे कुलीन वंश की पुत्री थी, MBBS की डॉक्टर थी, इन्होंने पास पैसा भी था, धनी बाप की बेटी होते हुए इनको सब तरह का ऐश आराम था। मगर जब नेताजी की पुकार हुई देश के लिए कि करो सब निछावर बनो सब फकीर, जो सबसे पहले आगे आई और इन्होंने वॉलेंटियर किया अपने आप को, और चूंकि सुशिक्षित थी
जवान थी, नेताजी ने इनको कैप्टन की रैंक दिया और इनको रानी झांसी की कमांड दी। इस रेजिमेंट की प्रत्येक सदस्य युद्ध की हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। तो ब्रिटिश हवाई जहाज ने बड़ी भारी बमबारी किया उधर, मगर कोई मरा नहीं, मगर हम लोगों को सब हमारा कैंप पूरा कितना चूर हो गया, जितनी हमारी चीज़ें हैं सब कुछ खत्म हो गया है, और बहुत ऐसे नुकसान पहुंचा। तो वो एक, और हमको बहुत डरते थे क्योंकि पहले बमबारी हुआ थी, लड़कियां घबराएंगे, कोई चिल्लाएं चीखेंगे, मगर कुछ नहीं, किसी को तो ऐसे कोई डर की चीज़ नहीं था, तो सब बहुत हिम्मत से वो उसकी बात सहन लिया, और बाद में सब चीज़ जो कुछ बचा सकते हैं बचा लिया है, और अपने सब किसी को कोई ऐसी बात नहीं, घबराहट नहीं हुआ। INA में एक खास एक विभाग था ये सब गाना बनाने के लिए और सब कैंपों में जाके सिखाने के लिए, बस क्योंकि नेताजी ने कहा तो सब गाना के साथ और भी जोश आएंगे। वाकई वो फ्रंट पे जाते जाते वक्त जवान लोग सब, तभी तो ये कदम कदम बढ़ाएंगे खुशी का गीत गाएगा, फिर हम लोग का रानी झांसी रेजिमेंट का, हम भारत लकी बेटी है, हम भारत लकी बेटी है, अभी उठा हुआ तलवार, हम भारत की बेटी है, हम नहीं नहीं है लड़ाई के, देखो इतिहास दिखा के, हम चतुरानी भारत की, हम चतुरानी भारत की। मार्च 1944 में आजाद हिंद फौज और जापानी सेना ने मिलकर इम्फाल मोर्चे पर चढ़ाई की और एक महीने के अंदर कोहिमा को घेर लिया गया और मोइलांग मणिपुर में विजय प्राप्त की, तिरंगा झंडा फहराया गया। उस समय आजाद हिंद के अखबार की सुर्खियों में छपा था, अराकान में अंग्रेजों की हार भविष्य का सूचक है। INA और रानी झांसी रेजिमेंट इस महान विजय पर उत्साहित थी। ये थी आजाद हिंद फौज की पहली महत्वपूर्ण सफलता। किंतु बर्मा के भयंकर मानसून ने आजाद हिंद फौज की सारी सप्लाई लाइन नष्ट कर दी, सड़कें दलदल बन गईं, बारिश के साथ साथ मलेरिया का मच्छर भी बढ़ गया, मलेरिया की दवाई भी कम हो गई और आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। और उस वक्त रानी झांसी रेजिमेंट भी आगे बढ़ने का उसमें तो किया, और दो बार उन लोगों को, क्योंकि ये ब्रिटिश लोग अपने हवाई जहाज से लोगों को उतारते हैं जंगलों में, तो उन लोगों के खिलाफ हम लोग को लड़ाई करने पड़ा, और हमारा 3-4 लड़के मर गया, हम लोगों ने भी उन लोगों को मारा। आजाद हिंद फौज इसलिए हारी क्योंकि इनके पास थी बैलगाड़ियां, कुछ बंदूकें और खाली पेट, और फिर शुरू हुई गिरफ्तारियां। रात को ऐसे सवेरे 4-5 बजे आंख खुले और एक बंदूक हमारा तो देखा है, एक जापानी, फिर जल्दी से हम उठ गया, और उसके बाद भी नहीं समझते तो कुरे कुरे ऐसे कर बाहर आओ बाहर, तो हमने कहा नहीं हम अपने वर्दी पहन के आएंगे, तो हमने वर्दी पहन दिया, हम गया और हमारे बाकी साथियों देखा सबको एक एक पेड़ के ऊपर तो बांधा हुआ था, और हमको भी बांध दिया। एक लड़का उसमें वो जापानी जानते थे हमारे साथ जो थे, तो वो बार बार उनसे कहने लगे हम लोग INA का है, नेताजी सुभाष चंद्र, मगर कुछ नहीं उनको समझ में आया। फिर एक कहा तो अच्छा हम जाके ऑफिसर को बुलाएंगे, तो वो चले गए। उसकी बात आधा घंटे बाद एक ऑफिसर आया और उनका हाथ में एक अखबार था, वो देखते थे, फिर हमारी तरफ देखे, वो देख, फिर हमारा बस नज़दीक आके उसका अखबार कैसे देखा, हमारी फोटो छपा हुआ था नेताजी का। फिर हम लोग उन लोगों से कहा इन लोगों को सब कुछ छोड़ो, अगर उसके पास वो अखबार नहीं मिला था उस दिन का तो। बंदी बनाने के बाद पूछताछ में कुछ सफलता न मिलने पर 4 मार्च 1946 को कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को भारत भेज दिया गया।
भारत में इनका भव्य स्वागत किया गया। यहां ये आजाद हिंद फौज के बंदियों को छुड़ाने और उनके पुनर्वास के कार्य में जुट गईं। लाल किले की ऐतिहासिक सुनवाई के बाद उन्हीं बंदियों में आजाद हिंद फौज के एक वरिष्ठ अफसर कर्नल प्रेम कुमार सहगल भी छूटे थे। 1947 में इनका विवाह कर्नल प्रेम कुमार सहगल से हुआ और ये कानपुर में बस गए। इनकी महान सेवाओं के लिए माननीय पूर्व राष्ट्रपति महामहिम के आर नारायणन ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। ये ताम्रपत्र, ये तस्वीरें, इनकी शौर्य गाथा की दास्तानें आज भी सुनाते हैं और आज भी जब रानी झांसी रेजिमेंट की सदस्याएं आपस में मिलती हैं तो उन दिनों की स्मृतियों को जरूर ताजा कर लेती हैं। उनमें उत्साह और जोश आज भी कायम है। नेताजी जानते थे आप डॉक्टर थे, आपका सर्विस तो बहुत ही लिया, आईएनए में, इंटरनेशनल आर्मी में, फील्ड हॉस्पिटल में आपका जो योगदान था उसका तो कोई तुलना नहीं है। कोई डॉक्टर ही ऐसा काम के एंटायर वर्ल्ड में, मैं तो आज ये बोल सकती कि देयर इज नॉट अ सिंगल डॉक्टर इन एंटायर वर्ल्ड ऑन अर्थ हु वर्क द वे यू वर्क। उम्र के इस पड़ाव पर भी सशक्त मन और कुशल हाथों से ये आज भी आने वाली नई जिंदगी का स्वागत करती हैं। और सबसे पहले उसके लिए हमारा देश के अंदर एकता हम लोगों को बनाना चाहिए। हम लोग सब इस देश के निवासी है, चाहे किसी धर्म को है, चाहे किसी जात का है, वो तो सब अपने अपने चीज है, मगर इस देश के लिए हम लोग देशवासी है। इस देश को हम लोग को कायम रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और इस देश का जनता के लिए उन लोग खुशहाल देश बनाना चाहिए और विकास देश बनाना चाहिए। इसके लिए हम लोग सब कोशिश करना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। और ये आजादी जो इतनी मुश्किल से मिला वो भी हमारा हाथ में चले जाएंगे। जय हिंद। ये कदम अभी थके नहीं है क्योंकि इन्हें तय करनी है अभी बहुत सी मंजिलें। हमारी शुभकामनाएं हैं ये सदैव स्वस्थ रहें और हमारे पथ को आलोकित करती रहें। इतिहास और हम ऋणी हैं इनके। हमें गर्व है भारत की इस महान क्षत्राणी पर। खुदा तेरी सुनता रहे, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे। खुदा तेरी सुनता रहे, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे। जो सामने तेरे पड़े तो हाथ में मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। जो जिंदगी है फॉर्म दी तो फॉर्म पे लुटाए जा।